उठो। सानू जाना पैना, छेती कर। चंगा वीर जी। वो कहते छोटू छोटू तानू तो लपन गया सी। मैनू लपन गया? चल छेती कर, लप गया यूनू। रेलगाड़ी पर धावा बोलकर कई लाशों की शनाख्त कर ली गई है। नासिर फाखरी, कुमार नैयर, अज़मीना खान। ठंड रख, बैठ जा, बैठ। मिठा है, खा ले। तू जानता है हमें रसद मुहैया करने की जिम्मेदारी सौंपी गई से, ना ही कि रेडियो सुनकर पुराने वक्तों की तमन्ना करने की, है ना? तो कुछ भी नहीं है जी। तू चाहता है और ये नहीं खबर देनी कि हमें कुछ ना मिला। उठ, चल ढूंढ। प्यारी अम्मा, तकलीफ नहीं होनी है। तकलीफ नहीं होनी। अज़मीना, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम छोटू होएगा। तेरी पीछे लगे उसको। मैनू इन्हां नूं नहीं। भाई साहब, हम बस जाने वाले हैं। कृपा करो, हम कुछ नहीं ले जाएंगे बस। आपको मेरी मदद की दरकार होगी जी। अच्छा, मौका मिलते सर मार देगा। मौका तो मुझे अभी मिला है ना जी, है कि ना? हाँ, आप जैसे हैं शहर में ऐसे हम ही बचे हैं। बहुत खूब जी। तो उन्होंने आपको देखा तो नहीं होगा? कौन केड़े लोग? वही लोग जी जो हमारे साथ आए हुए हैं जी। उन्होंने पूरे गांव को घेरा हुआ है। बंदूक फड़ा मैनू, पिस्तौल दे मेरे को। अभी नहीं, एक बारी आप सभी सेफ हो जाए। ये बंदूक आपकी होगी जी। अभी नहीं जी, अभी चाहिए मुझे। जिंदा रहना चाहते हैं क्या? अपने भाई बहन को जिंदा देखना चाहते हैं ना जी? हाँ हाँ, मैं अभी वही चाहता हूँ जी। रात को मिलेगा मुझे गांव के बाहर जी। आपका इंतजार करूंगा मैं। बैलगाड़ी के क्या पर लग गए मादरचोद। जल्दी आओ जी, कहाँ मर गए थे आप लोग? मैं बस देखना थी तू करना है कि नहीं। आप एकदम फिर इधर आओ, जल्दी संभाल के बैठो इधर जी। गोलियां लाओ जी। पहला बंदूक दे मैनू। बंदूक अभी नहीं जी, गांव की शरण आ जाए फिर ले लेना आप जी। जल्दी जाओ, पहला बंदूक दे मैनू। भरोसा रोको, अभी नहीं, गोलियां लाओ, जल्दी जाओ जी। मत करो जी, भाग लो जी, मत करो। तूने मेरे आदमी पर हमला किया है। अब तू हमारे इलाके, हमारी जायदाद पर बना बैठा है। तू चोर है, तू कातिल है, तेरी कोई जायदाद नहीं है, कोई हक नहीं है तेरा। ये मेरा पिंड है। सब कुछ यहाँ पे जो पाकिस्तान की सरजमीन पर है वो पाकिस्तानियों का है। बेशक मैं पाकिस्तानी हूँ और तू हमारा है, वो भी मेरी मिल्क है और ये भी। कहाँ से मिला ये तुझे? चोदा पोते नु हाथ ना लाई। परमात्मा पे बहुत भरोसा है तुझे। बात सुनो, बच्चे को छोड़ दो, लड़की को ले लो। अब वो कौन सा करिश्मा दिखा दे तुझे? चलो जा। हर जी रूह के भी हार मानने के एक वक्त आता है। ले जा इसे। यार, बोल से मत कर, छोड़। बहन जी, आपसे एक बात पूछूं क्या? क्या आपको लगता है वो वान पहुंचेगी जहाँ पहुंचने के लिए निकली थी? जी कुछ हफ्ते पहले तो लोग गाड़ियों की आने जाने से अपनी घड़ियां देखते थे, और अब देखो जी, मेरी भी एक बहन थी जी, बिल्कुल आपकी तरह। उसका नाम अज़मीना था जी। मैंने भी उसे एक गाड़ी में बिठाया था, बोला था जब पहुंचोगी तो जवाब जरूर देना जी। फिर ढूंढता ढूंढता मैं इधर आ गया जी। आज सुबह जब इसे देखा तो मैं इन लोगों की तरह नहीं हूं जी। मैं यहाँ लोगों को मारने नहीं आया था, मैं तो सिर्फ अपनी बहन ढूंढने आया था जी। आप लोग कुछ खा लीजिए जी, कल ताकत की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। जाकर देखो इनके जिस्मों पर अभी भी कुछ बचा है या नहीं। कर लेगी। आनंद कुछ कहना नहीं है तुझे? चला जा, जाने दीजिए जी। बहन के लिए मुद्दतों भटकना तुझे कुछ तो सबक दे जाता, इन चक्करों से तू कहीं आगे सोच लेता। ये भी तो किसी की बहन है ना जी, किसी के भी हिलने से पहले मैं दबा दूंगा जी। दबा बे, पकड़ ले साले को, संभालो इसे। चाचा चला जा, तुझे तो मेरे लोगों के साथ ही दफना देना मैंने। छुरा लिया, छुरा लो। चाचा दोनों को रस्सी से बाहर देना। इबादत का वक्त हो गया है। आइए अजान पढ़िए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आपको लगता है आपकी दुआएं कबूल होगी जी? हाँ, तेरी वफादारी नापायदार है बशीर। वफादारी आपके साथ ही की वाकई। बशीर चुप हो। तेरा ये दूसरा मेरा इख्तियार भी मैं खत्म कर सकता हूँ। के पीछे आने की कोई मजबूरी नहीं रही जी। तो फिर मैं तुझे ही खत्म कर दूंगा। अब कहो कि इसकी वफादारी नापायदार है। बहुत अच्छे, तेरा ये नजरिया भी आजमा लेते हैं। ठीक है, आजमा लेते हैं। पहले कौन?